नई ब्रेजा इस महीने की 30 तारीख को लॉन्च हो रही है, बट उससे पहले मैं 10 ऐसे कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ कि पुरानी ब्रेजा से इसमें क्या खास देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज गाड़ी के फ्रंट में हुआ है। नए डिज़ाइन की डुअल LED लाइट्स देखने को मिलेंगी DRL के साथ, साथ ही फ्रंट ग्रिल और फ्रंट बम्पर को भी चेंज कर दिया गया है। इसमें जो आपको फॉग लाइट मिलती है वो भी रीडिज़ाइन है। दूसरा पॉइंट है गाड़ी की साइड प्रोफाइल, जहां पर आपको जो बॉडी क्लैडिंग मिलती है उसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, यानी अब आपको थोड़ी सी ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलेंगी। इसके अलावा साइड प्रोफाइल में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। अलॉय व्हील्स की बात करें तो उसके डिज़ाइन को भी चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नई ब्रेजा में इस तरह के अलॉय व्हील आपको देखने को मिलेंगे। आपको इन दोनों में से कौन से बेटर लगे हैं, पुराने वाले या नए वाले, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मारुति ब्रेजा की बैक को भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर आपको नए डिज़ाइन की LED लाइट्स देखने को मिलेंगी, साथ ही रियर स्पॉइलर और बम्पर को भी अपडेट किया गया है। इंजन की बात करें तो कुछ भी चेंज नहीं है। दोनों गाड़ियों में लगभग सेम इंजन आता है, 1.5 लीटर का, 103 bhp की पावर देता है, 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। हालांकि आपको नई ब्रेजा में ऑटोमेटिक वेरिएंट में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिल सकता है। इंटीरियर की बात करें तो नई ब्रेजा 2020 में आपको हेडअप डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी यूनिक शेप के साथ आती है। इसमें आपको कुछ एडवांस फीचर भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि पुरानी ब्रेजा में अवेलेबल नहीं थे। स्टेयरिंग व्हील की बात करें तो नई ब्रेजा में आपको नए डिज़ाइन का स्टेयरिंग व्हील मिलता है, फ्लैट बॉटम स्टाइल में। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ अगर आप नज़र डालेंगे तो नई ब्रेजा में थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि नई ब्रेजा के टॉप वेरिएंट में आपको सनरूफ का भी ऑप्शन मिल जाए। हालांकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट उम्मीद लगाई जा रही है कि इसमें आपको सनरूफ देखने को मिलेगी। नई ब्रेजा में आपको वेंटिलेटेड सीट्स का भी ऑप्शन मिल सकता है, जो कि पुरानी ब्रेजा में अवेलेबल नहीं था। तो आपको इन सब में से कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।